अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमें अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम आमीन। चलें जी व्यूवर्स, आज के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो जो है वो मैंने अपने ईद ड्रेसेस पे बनाई है और इसमें मैं आपको अपने ईद ड्रेसेस शो करूँगी। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, जो ईद ड्रेसेस हैं उनकी मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी, प्राइस शेयर करूंगी और मैंने कहाँ से लिया है ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, ये जो मेरा ये पहला जो ड्रेस है ऑरेंज कलर में, इसकी देखें नेक लाइन पे बहुत खूबसूरत से ये उन्होंने बटन लगाए हुए हैं और जो इसकी बोनेंजा से मैंने ये ड्रेस लिया है। और ना, ये सारे ड्रेस ही मैंने बोनेंजा से लिए थे, जब मैं पाकिस्तान गई थी तब मैंने लिए थे। अच्छा जी, इसकी बाजू पे आप देखें कि बहुत खूबसूरत से उन्होंने ये अटैचिंग लेस लगाई हुई है सेंटर में। अटैच लेस के साथ इन्होंने ये फ्रंट पे जो है लूप्स बनाए हुए हैं और यही लूप्स सेम टू सेम इसके दामन पे भी इन लोगों ने बनाए हुए हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये जो ड्रेस है मैंने ना 3800 में लिया था, स्टिच ही ड्रेस लिया था और सेल लगी हुई थी तब पाकिस्तान में, तकरीबन फेब में मैं गई थी, मैंने तभी लिए थे ये ड्रेसेस और रीज़नेबल बहुत ज़्यादा मिल गए थे। 3800 ईच जो है वो ड्रेस मुझे, ईच ड्रेस की प्राइस है और तकरीबन तीनों ड्रेस इसी रेंज में ही थे। और ये देखें कि जो इसके बैक है बिल्कुल आप प्लेन है, मतलब प्रिंटेड है, उस पर उन्होंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की हुई। और जो इसका दुपट्टा है वो भी प्रिंटेड है, उसके ऊपर भी उन्होंने किसी किस्म की डिटेलिंग वगैरह नहीं की, लॉन स्टफ में ही मैंने दुपट्टे जो थे वो परचेज किए थे। और जो इसका ट्राउज़र है देखें, प्लेन ट्राउज़र है और इसके जो पैंचे हैं उसके ऊपर उन्होंने उसी तरह जिस तरह बाजू पर प्लेटिंग की हुई है उसी तरह पैंचों पर भी प्लेटिंग की हुई है। नेक्स्ट जो ड्रेस है देखें ब्लैक कलर में है, ये भी मैंने बोनेंजा से ही लिया था और ये भी तकरीबन 3800 में ही मुझे पड़ा था। ये मैंने ऑफर में तीनों ड्रेस लिए थे और ये देखें इसके नेक पे भी जो है उन्होंने पाइपिंग के साथ टसेस लगाए हुए हैं और ये जो स्लीव्स हैं इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सी ये ऑर्गेन्जा वाली उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड लेस सी लगाई हुई है। ये देखें बहुत खूबसूरत सा इसकी ये स्लीव्स बनाई हुई उन्होंने और इसका जो दामन है वो भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ था। इसका जो दामन है आप देखें कि पूरे दामन के ऊपर ये छोटे छोटे लूप्स लगाए हुए हैं इन्होंने ये, और लूप्स के साथ इन्होंने नीचे टसल भी लगाए हुए हैं। जो टसल्स हैं वो नीचे एक्स्ट्रा जो है वो बॉर्डर अटैच किया हुआ है ब्लैक कलर में और गोल दामन को शेप दी हुई है और इसके ये टसल्स लगाए हुए हैं। इसकी जो बैक है वो भी ब्लैक प्रिंटेड ही है, यानी कि उस पर भी किसी किस्म की डिटेलिंग नहीं है, डिटेलिंग फ्रंट पे ही थी। अच्छा, जो इसका दुपट्टा है वो काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ, उसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है और ये टसल्स अटैच हैं दुपट्टे के साथ, बड़े और छोटे कॉर्नर्स पे भी हैं और सेंटर में भी टसल्स लगे हुए हैं। इसका प्रिंट आप देखें कि कितना खूबसूरत है। और मैंने लॉन स्टफ ही दुपट्टे लिए थे, मुझे गर्मी लगती है दूसरे स्टफ में इसलिए मैंने लॉन स्टफ ले लिया था। और ये देखें इसके साथ जो ट्राउज़र नहीं है शलवार है और ये शलवार में इन्होंने इसी तरह अटैचिंग लेस लगाई हुई है और साथ में प्लेट डाले हुए हैं। अच्छा जी, जो ये लास्ट में मेरा सूट है ये भी मैंने बोनेंजा सतरंगी से ही लिया है और इसकी भी प्राइस यही थी 3800-3900, ऑफर में ही लिया था, स्टिच था और थ्री पीस था। अच्छा, ये इसकी देखें स्टिचिंग में उन्होंने बहुत खूबसूरत सी जो है वो चौड़े वाले जो प्लेटिंग होती है वो की हुई है और जो इसकी नेक है उस पर बहुत खूबसूरत इन्होंने लेस लगाई हुई है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो प्लेन हैं प्रिंटेड मतलब, और इसका दामन पे भी उन्होंने किसी किस्म की डिटेलिंग नहीं की हुई, बट जो फ्रंट है उसके ऊपर जो प्लेटिंग और लेस लगाई हुई है गले पर वो बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरह इसकी बैक जो है वो बिल्कुल प्रिंटेड है, प्लेन है, उसके ऊपर कोई डिटेलिंग नहीं हुई हुई। और जो इसका दुपट्टा है वो भी बहुत प्यारा है, लॉन स्टफ में ही मैंने लिया है। और ये देखें कि इसको भी टसल लगाए हुए हैं, इसके टसल बहुत प्यारे हैं, इसके टसल्स जो हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे अटैच हैं। और ये देखें दुपट्टे का जो, इनके सब भी दुपट्टों का साइज भी काफ़ी बड़ा था, चौड़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा था और देखें कि लॉन भी बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट सी थी। अच्छा, जो ट्राउज़र्स है देखें, ट्राउज़र में इन्होंने बहुत खूबसूरत सा पाइपिंग की हुई है पूरी उन्होंने फुल ट्राउज़र में लेंथ में। और आई होप व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे ड्रेस भी अच्छे लगे होंगे। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सा ड्रेस कौन से डे पे पहनूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। फी अमानिल्लाह।